हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक स्टार्ट इन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करें। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं दही बड़ा, वो भी बिल्कुल बिहारी स्टाइल और उड़ीसा स्टाइल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये दही वड़ा जो है ये मीठा नहीं होता है, लेकिन आप उससे ऊपर से इसमें टैमरिंड सॉस ये सब डाल के आप मीठा बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 1/2 कप के करीब उड़द डालेंगे और 1/4 करीब हम लोग यहाँ पे मूंग डालेंगे और उसे रात भर भिगो के रख देना है। सुबह हम लोग इसे स्ट्रेन करेंगे और अच्छे से धो के और हमें इससे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट इसका बनाना है। अब ये देखिए, इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट जो है वो तैयार हो चुका है और मिक्सर ग्राइंडर में ये अच्छे से व्हिप भी हो जाता है, तो आपको इससे ज़्यादा व्हिप करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप इसे चेक कर सकते हैं, जैसे कि पानी में थोड़ा सा डाल के देख सकते हैं, अगर ऊपर तैर रहा है यानी कि वो रेडी है। देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैं दिखाती हूँ आपको। और ये क्योंकि ऊपर तैर रहा है, अगर आप चाहें तो इसे और व्हिप कर सकते हैं, लेकिन मैं अब नहीं करूँगी क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो कर्ड है वो लेंगे, लगभग 1 कप के करीब मैंने कर्ड लिया है, और उसमें नमक और ब्लैक पेपर पाउडर डाल के उसे हमें व्हिप करना है। और यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, पंजाबी स्टाइल जो होता है वो बस व्हिप्ड करके हम लोग रख देते हैं, लेकिन ये जो बिहारी स्टाइल होता है उसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना होता है, लगभग 1/4 कप के करीब हम लोग यहाँ पे पानी डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, जो कि उड़ीसा स्टाइल जो दही वड़ा होता है उसमें तड़का लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पे बिहारी और उड़िया स्टाइल बना रही हूँ, तो इसमें तड़का लगाने के लिए 1 टेबल स्पून के करीब हम लोग मस्टर्ड ऑयल या फिर कोई भी तेल आप ले सकते हैं, उसे गर्म होने देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स डालेंगे और क्यूमिन सीड भी डालेंगे और सबको अच्छे से स्प्लटर होने देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे देखिए मैंने लाल मिर्च भी डाल दिया है और करी लीव्स भी चाहें तो डाल सकते हैं, और वो टेम्परिंग हम लोग उसमें डाल चुके हैं, लेकिन अभी मैं वो क्लिप आपको दिखाना यहाँ पे मिस हो गया है। तो मैं आपको अब बता रही हूँ कि हम लोग कैसे इसे फ्राई करेंगे। तो वो जो डम्पलिंग्स है उसे हम लोग डीप फ्राई कर रहे हैं यहाँ पे, तो हाथों की सहायता से बिल्कुल अच्छा सा वड़ा जैसा आपको बना लेना है, और उसे हमें ऐसा फ्राई करना है कि वो डार्क ना हो, क्योंकि जब वो डार्क हो जाएगा तो वो बिल्कुल कड़ा हो जाएगा, हमें उसे बिल्कुल सॉफ्ट ही रखना है। अब इसे हम लोग निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे हमें पानी में डाल देना है। पानी में डालने से क्या होता है कि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो दही बड़ा जो है वो ऐसे भी हेल्दी है ये, क्योंकि इसमें मूंग दाल का और उड़द दाल दोनों का इस्तेमाल हुआ है। अब जो दही बड़ा हम पानी में भींग चुका है तो उसे हम लोग हाथों से अच्छे से स्क्वीज करेंगे और दही में डालेंगे। अब ये रेडी हो चुका है, अब हमें इसे सर्व करना है। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कैसे सर्व करना है। तो ये देखिए रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। दोस्तों आप भी ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।